हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑटो एक्सपर्ट मैं हूं आपकी होस्ट सपना शर्मा आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक स्कूटर का रिव्यू करने वाली हूं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म रिव्यू और वो हम क्यों आपको देना चाहते हैं उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं तो वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे कि मैंने भी आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक इलेक्ट्रिक स्कूटी दिखाई जिसका बहुत अभी अच्छी लगी मुझे भी अच्छी लगी पर्सनली लेकिन आने वाले टाइम में जब तक एक लॉन्ग टर्म रिव्यू ना हो हमें उसकी परफॉर्मेंस पता ना चल पाए तो एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है लेकिन कोई अगर पहले से किसी चीज़ को यूज़ करता है और उसके बारे में आपको पहले से बता दे कि क्या परफॉर्मेंस है तो आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाता है तो आइए हम ऐसे ही एक स्कूटर की बात कर रहे हैं आज हॉन्डा एक्टिवा वन ट्वेंटी और देखिए कितना डिसेंट लुक है इसका दिस इज़ माई चॉइस एक्चुअली क्योंकि ये मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ और इसीलिए जो इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसका जो लुक है ओवरऑल एंड ऑफकोर्स वाइट कलर स्कूटर्स में मेरा फेवरेट है तो देखिए ओवरऑल अगर लुक्स की बात करें तो आपको बहुत ही एक डिसेंट क्लास इसमें लगती है और परफॉर्मेंस तो इसकी अच्छी सभी के थ्रू बताई गई है और हमने क्योंकि खुद यूज़ किया है इसलिए हमें पता है और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से हर जगह पर डेवलप नहीं हुआ है इनफैक्ट सिटीज़ में तो अच्छा है बट जब हम हिल एरिया की बात करते हैं और क्योंकि हम खुद हिल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो उसके लिए अभी परफेक्ट तो नहीं कहेंगे हम बट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात करेंगे फिलहाल हम इसकी बात करते हैं आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होंडा में एक्टिवा सबसे हिट प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा बिकने वाला लेकिन शायद आपको हैरानी होगी जानकर कि मैंने कभी होंडा एक्टिवा नहीं लिया है और वो लेने का एक रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमने इवन होंडा के डी ओ चार डी लिए हमने क्योंकि हम एक साल से ज़्यादा स्कूटर कोई भी लेते नहीं हैं अभी भी एक डी हमारे पास है और उसके अलावा हमने ग्राज़िया वो भी यूज़ किया है इवन एक्टिवा आई भी हमने यूज़ किया है और हमने एक बार नॉर्मल एक्टिवा जो है होंडा का वो भी हमने लिया लेकिन हमने विद इन ट्वेंटी डेज़ उसको सेल आउट कर दिया उसका रीज़न यही था क्योंकि उसमें शेकिंग बहुत थी तो देखिए शुरू करते हैं हम इसकी माइलेज से जैसा कि कंपनी क्लेम करती है सिक्सटी फाइव पर किलोमीटर अभी भी ये देखिए फोर्टी एट पॉइंट सेवन दिखा रहा है और फिफ्टी के आसपास हमें ये हिल पर एवरेज देता है जैसा कि आप देख रहे हैं ऋषिकेश में तो और ऋषिकेश के आसपास भी हम स्कूटर पर घूमते ही रहते हैं और पूरा हिली एरिया है तो हमें एवरेज में बिल्कुल हम सेटिस्फाइड है इसके अलावा भी एक एक करके हम इसके बारे में बताते हैं देखिए हालांकि हम बात करें अगर बी एस सिक्स की तो इसमें आपको जो पॉइंट थ्री फोर पी एस की पावर कम मिलती है पहले वाले एक्टिवा से और साथ ही आपको पॉइंट टू फोर न्यूट्रोमीटर टॉक भी कम मिलता है लेकिन बावजूद उसके जब हम इसको चलाते हैं ये इतना स्मूद है इसमें आपको कोई शेकिंग नहीं मिलती है और इस तरह की जो खड़ी चढ़ाइयाँ होती हैं आप बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल भी डगमगा रहा है और एक जो इसकी बॉडी है जो इसका लुक के साथ साथ इवन ये हैवी है थोड़ा मुझे कई बार लगता है कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ लेकिन जब चलाते हैं इसको तो ये फील ही नहीं होता है कि कितना हैवी है वो इतना स्मूथ हो जाता है और चलने में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है तो देखिए बी एस सिक्स में आपको मिलते हैं तीन वर्जन ये टॉप एंड मॉडल है इसीलिए हमें इसमें डिस्क ब्रेक के साथ अलॉय व्हील मिलते हैं बाकी जो दो मॉडल हैं उसमें जो सेकंड मॉडल है उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं सिर्फ अलॉय मिलते हैं और जो सबसे लोअर मॉडल है बेस मॉडल जिसे हम कहते हैं उसमें आपको नॉर्मल रिम मिलते हैं देखिए अब मैं आपको इसके सबसे यूनिक फीचर के बारे में बताने वाली हूँ ये स्विच आप देख रहे हैं इसमें ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करता है इंजन को और जिससे हमें हम फ्यूल सेव कर सकते हैं क्योंकि बहुत जब ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक में हम स्कूटर को ऐसे ही हम खड़ा रखते हैं ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ऑफ़ हो जाता है स्विच और ये सिर्फ जैसे ही हम इसको रेस देते हैं यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है लेकिन कई बार जब हम अपने साथ बच्चों को लेकर जाते हैं तो जब बच्चा आगे खड़ा है और गलती से अगर बच्चे ने रेस दे दी तो स्कूटर आगे चल देगा तो उस टाइम पर आपको ये स्विच ऑफ कर देना है तो उससे ये सेफ्टी भी है और आपके फ्यूल सेव भी हो जाता है और देखिए एक और ये टॉप टॉपड मॉडल में ही आपको फीचर मिलता है कि अगर ये साइड स्टैंड आप कई बार लगा कर और सिर्फ इसको हाफ तक लग, आ, ऐसे करके आप चलना शुरू कर देते हैं जो कि डेंजरस होता है कई बार लेकिन अगर ये इतना भी रहेगा तो आप स्कूटर ऑन नहीं कर सकते हैं तो इसको पूरा आप ऊपर करेंगे तभी स्कूटर स्टार्ट होगा तो ये एक बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे इसका साथ ही इसमें इस इन फीचर्स के अलावा इसमें और भी बहुत सारे फ़ीचर्स हैं लेकिन हम पिछले एक साल से इसको यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हम आपको इसका रिव्यू करके बता पा रहे हैं अपना एक्सपीरियंस हम आपको बता पा रहे हैं कि ये क्यों हमें इतना पसंद है और इसीलिए सिर्फ ये स्कूटर पहला स्कूटर है जो अभी हमारे पास लगभग दो साल होने वाले हैं और ये अभी तक हमारे साथ है वाह मोर फैमिली तो देखिए इसमें डिजिटल वॉच के साथ साथ आपको ये माइलेज भी दिखाता है और साथ ही कितना फ्यूल आपके टैंक में है और उस फ्यूल में आप कितने किलोमीटर आगे चल पाएंगे ये भी ये बता देता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन ये आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल में ही मिलता है लोअर मॉडल में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं और इसी जब हमने ये लिया था हमें ये नाइन्टी के अराउंड ऑन रोड मिला था लेकिन अभी थोड़ा सा ये एक्सपेंस uh, बढ़ गया है ये वन प्लस के अराउंड अभी मिल रहा है विद ऑल एसेसरीज़ देखिए बी एस सिक्स से ही इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट की है आपको दो मोड दे दिए गए हैं यहाँ पर फ्यूल uh, के लिए अलग और सीट के लिए अलग क्योंकि पहले क्या होता था बड़ा इनकनवीनियंट सा लगता था कि हम स्कूटर uh, की डिक्की को ओपन करें और उसके बाद इतने इतना सारा सामान हमारा रखा होता था और उसके बाद हम टैंक खोल कर फिर फ्यूल हम उसमें फ़िल uh, कराते थे लेकिन अभी देखिए बी एस सिक्स जब से आया है इन्होंने ये आउटर लिड दिया है बहुत ही अच्छा है आप एक बटन के साथ स्विच के साथ आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हैं और देखिए बहुत ही इजीली आप इसको फिल करा के बंद कर सकते हैं यहाँ से इसी तरह से सीट के लिए भी अलग बटन दिया हुआ है इन्होंने यहाँ आप इसको भी ओपन कर सकते हैं स्पेशियस है काफ़ी स्पेस है यहाँ पर और देखिए साथ में ये जो इन्होंने स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर मैं अपना फ़ोन रख पाती हूँ इज़िली ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और सीट की अगर हम बात करें बहुत ही कंफर्टेबल और इवन साइज में भी आपको ये बड़ी मिलेगी बाकी एक्टिवा से तो चलिए एक राइड पर चलते हैं तो देखिए मुझे तो ये पसंद है और अगर आप सोच रहे हैं एक स्कूटर लेने की एक अच्छा स्कूटर लेने की तो आपके पास ऑप्शंस और भी हैं 125 सीसी में इवन आपके पास टीवीएस एंड टॉक मिलता है Uh, वो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स uh, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि लुक वाइज एक जो एग्जीक्यूटिव क्लास हमें चाहिए होती है वो मुझे इसमें ज़्यादा दिखती है इसी तरह आपको हीरो में भी ऑप्शन मिल जाता है लेकिन मैं उसे रिकमेंड नहीं करूँगी तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप कंसिडर कर सकते हैं इसी तरह से हम आपको ऑप्शंस देते रहेंगे और आप उसे कंसिडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी टेक्निकल जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम ओ टी एक्सपर्ट के इंस्टाग्राम आई पर हमें कॉमेंट कर सकते हैं और साथ ही इस आ, वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में भी आप कॉमेंट करके कर लिख सकते हैं तो इसी तरह से हमारे साथ रफ्तार की दुनिया में बने रहें मिलते हैं जल्दी एक नए व्हीकल के साथ तब तक के लिए जय माँ गंगे हर हर गंगे